नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकुटी। आज हम आपको लेकर चलेंगे भगवान शिव के उस मंदिर में, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये मंदिर द्वापर युग से ही अधूरा है। आखिर ये मंदिर 5000 सालों से अधूरा क्यों है, जहां मिलता है भारत का सबसे बड़ा शिवलिंग, जिसे उत्तर भारत का सोमनाथ भी कहा जाता है। भोलेनाथ के दिव्य दर्शन के लिए कोने कोने से लोग यहाँ पर आते हैं, क्योंकि मान्यता है कि इस दरबार में लगने वाली एक हाजरी मन की हर कामना पूरी कर देती है। ओम नमः शिवाय। देवों के देव महादेव, जिनकी महिमा अनंत है, सावन में जिनकी भक्ति के जयकारे लगते हैं, बम बम भोले से पूरा भूमंडल गूंजने लगता है। वैसे तो शिव के कई धाम हैं। हम सब शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों की पूजा करते हैं, लेकिन शिवशंकर के इस धाम की महिमा किसी ज्योतिर्लिंग से कम नहीं है। जिस मंदिर में मत्था टेकने लाखों श्रद्धालु आते हैं, सावन का महीना हो या फिर महाशिवरात्रि या मकर संक्रांति, जिनके दर्शन की लालसा इतनी प्रबल होती है कि लोग भारी भीड़ में भी खुद को सहज महसूस करते हैं, वहां दौड़े चले आते हैं, भोलेनाथ को जल चढ़ाते हैं, शीश नवाते हैं, बेलपत्र और धतूरे से महादेव का श्रृंगार करते हैं और खुद को धन्य समझते हैं। आखिर कहां है शिव का वो अद्भुत दरबार, जिस मंदिर का शिवलिंग इतना भव्य, इतना विशाल है कि उसका निर्माण आज तक पूरा ही न हो सका। उस मंदिर का शिखर कभी नहीं बन सका। जिन्हें संसार का साधक कहा गया, आखिर उस मंदिर में महादेव की साधना आज तक अधूरी क्यों है? जिस मंदिर का सिरा द्वापर युग में पांडवों से लेकर धार के राजा भोज तक से जुड़ता है, आखिर शिव का वो धाम कभी पूर्ण क्यों नहीं हो सका? ये ऐतिहासिक मंदिर है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से करीब 30 किलोमीटर दूर रायसेन के भोजपुर में, जिसे भोजेश्वर महादेव भी कहते हैं। जिस मंदिर के आसपास मंदिर के निर्माण की निशानियां बिखरी मिलती हैं, जिस पर मुहर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग लगाता है, आखिर क्या कारण रहा कि वो मंदिर बनना तो शुरू हुआ लेकिन पूरा बन नहीं पाया? दावा किया जाता है कि भोजपुर के इस शिव मंदिर का प्रवेश द्वार दुनिया के किसी भी मंदिर से सबसे बड़ा है। आखिर कैसे 1000 साल पहले, जब विज्ञान इतना उन्नत नहीं था, तो फिर इन 70 टन वजनी पत्थरों को कैसे मंदिर तक पहुंचाया गया होगा? भोजपुर के इस मंदिर में आकर मन स्वतः बैरागी हो जाता है, मन से सारे विकार मिटने लगते हैं, कैलाश पति की भक्ति से रोम रोम प्रफुल्लित हो उठता है। यहाँ की मान्यता है कि जो भी दिल से मांगो तो वो पूरा होता है। यहाँ इस मंदिर की विशेषता ये है कि यहाँ पे आप आके जो मनोकामना मांगते हो पूर्ण होती है। हम यहाँ 2005 से आ रहे हैं और आज भी आए हैं। ये एक ऐतिहासिक मंदिर है और सबसे बड़ा शिवलिंग है, ये सुन रखा है। और सबसे बड़ी विशेषता ये है कि शिवलिंग के अंदर शिवलिंग है। यहाँ पे उत्तर भारत का सोमनाथ मंदिर कहा जाता है और यहाँ पे सभी मनोकामना पूरी होती है। इनके बारे में सुना था और इसीलिए हम आए थे यहाँ पे दर्शन करने। शिव जो है हमेशा ब्रह्म 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 बर मांगो बर मांगो बर मांगो बोलते रहते हैं, भंग धतूरा खा करके। अब जो भी उनके पास जाता है वो कुछ न कुछ अवश्य पाता है। आज पहली दफा दर्शन कर पाया हूँ,
आत्ममुग्ध हो गया हूँ। ऐसा लगता है कि जो हमने मन्नत मांगी है वो जल्द ही पूरी होगी। कहते हैं जो भी एक बार यहाँ आता है वो शिव की साधना में लीन हो जाता है। ये भी भोलेनाथ की महिमा ही है। ये मंदिर भले ही अधूरा रह गया हो लेकिन इस मंदिर में आने वाले किसी भी भक्त की कोई भी मनोकामना कभी अधूरी नहीं रहती। इस मंदिर के बारे में ये सुना है कि ये पांडवों के समय का मंदिर है और बीच में भोजराज देव ने यहाँ, जिनके नाम से ये स्थान ये क्षेत्र प्रसिद्ध है, उनके द्वारा जो है जीर्णोद्धार किया गया। मंदिर के नजदीक ही बेतवा नदी बहती है जहाँ भोलेनाथ का विशाल शिवलिंग लाखों भक्तों की आस्था का केंद्र है, जिसे भक्त भोजेश्वर शिवलिंग के नाम से जानते हैं। शिव भक्तों के लिए इस शिवलिंग का महत्व किसी ज्योतिर्लिंग से कम नहीं है। भारत में महादेव के अनगिनत मंदिर हैं, फिर क्या वजह रही होगी कि भोजपुर के इस मंदिर में रुद्रनाथ का महाअभिषेक नहीं हो सका। माना जाता है कि शिवलिंग द्वापर युग से यहां पर है, लेकिन इस मंदिर के जीर्णोद्धार की कथा परमार राजा भोज से जुड़ती है। भोजपुर के मंदिर की पहचान विशाल शिवलिंग से है और दावा किया जाता है कि एक ही पत्थर पर खड़ा ये विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग है, जो कि वास्तुशास्त्र का अद्भुत नमूना भी है और साथ ही साथ लाखों भक्तों की आस्था का केंद्र भी है, जहां शिव अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। भोजपुर की पहाड़ी पर बना अद्भुत और विशाल मंदिर जो दूर से ही भव्यता का एहसास कराता है। माना जाता है कि ये शिवलिंग एक ही पत्थर का बना है। चिकने लाल बलुआ चट्टान से बने इस शिवलिंग को एक ही पत्थर से बनाया गया और जिसे विश्व का सबसे बड़ा और प्राचीन शिवलिंग माना जाता है। दावा किया जाता है कि आधार सहित इस शिवलिंग की ऊंचाई 40 फीट से भी अधिक है। मंदिर 115 फीट लंबा, 82 फीट चौड़ा और 13 फीट ऊंचे चबूतरे पर खड़ा है। शिवालय जो है वो 21.5 फुट लंबे हैं, टोटल वन पीस में है, एक ही पत्थर में है। उसके बाद में 7.5 फुट ऊपर है जलाधारी के, 14 फुट जलाधारी के अंदर है, नीचे फर्श पर रखे हुए हैं। उसके बाद 20x20 फुट की जलाधारी है जो वन पीस में है, उसको ऐसा सेंटर गोल काट के ऊपर से उठा के पहनाया गया। इस टाइप से इनकी मतलब यहाँ पे स्थापना की गई है। मंदिर में जाने के लिए पश्चिम दिशा में सीढ़ियां हैं। गर्भगृह के दरवाजों के दोनों ओर देवी गंगा और यमुना की मूर्तियां लगी हैं। इसके साथ ही गर्भगृह के विशाल शीर्ष स्तंभ पर भगवान की आकृतियां नजर आती हैं। शिव पार्वती, ब्रह्मा सरस्वती, राम सीता और विष्णु लक्ष्मी की मूर्तियां स्थापित है, जबकि मंदिर की बाहरी दीवारों पर यक्षों की मूर्तियां उकेरी गई हैं। पौराणिक मान्यता है कि यहाँ पर शिवलिंग पांडवों ने स्थापित किया था, लेकिन इस शिव मंदिर का जीर्णोद्धार परमार वंश के राजा भोज ने 1010 ईसा से 1055 ईसा में किया गया। ये मंदिर के बारे में ऐसा बताते हैं कि जब पांडवों को अज्ञातवास हुआ था तो उस टाइम में ये पांडव लोग यहाँ पे घूमने आए थे, ये पूरा बियावान जंगल था। तो अज्ञातवास के समय जब वो यहाँ पे आए तो ये भीमबेटका जो है यहाँ पे ये इलाके रुके हैं। भीमबेटका में वहाँ प्राकृतिक गुफाएं हैं, तो वहाँ पे आके रुके हैं। उसको आर्कियोलॉजिकल भी प्रमाणित करता है कि यहाँ पे भीम आके रुके हैं। दावा किया जाता है कि इस मंदिर का प्रवेश द्वार दुनिया के किसी भी मंदिर से सबसे बड़ा है। इस मंदिर की खासियत इसमें 40 फीट ऊंचाई वाले इसके चार स्तंभ हैं। गर्भगृह की अधूरी बनी छत इन्हीं चार स्तंभों पर टिकी है। साथ ही भोजेश्वर मंदिर की छत गुंबदाकार है। भोजेश्वर मंदिर में बिखरे पड़े पत्थरों पर हमें मंदिर के विशाल निर्माण की योजना भी मिलती है, जिसका संकेत पत्थरों पर बने नक्शे देते हैं। इस मंदिर की भव्यता देखते ही बनती है और आश्चर्य भी होता है कि आखिर इतने भारी पत्थर इतनी ऊंचाई पर कैसे पहुंचाए गए होंगे। मंदिर के ठीक पीछे एक ढालनुमा आकृति बनी है,
दावा किया जाता है कि मंदिर के निर्माण के समय विशाल पत्थरों को ढोने के लिए इसी ढलान का उपयोग किया जाता था। मंदिर में जगह जगह मूर्तियां बिखरी मिलती हैं, जिससे ऐसा लगता है कि ये मंदिर के निर्माण की सामग्री रही होंगी। मंदिर के आसपास चट्टानों पर उकेरी आकृतियां और नक्शे मिलते हैं। मंदिर को देखकर ऐसा लगता है कि मंदिर का निर्माण अचानक से रोक दिया गया होगा। आखिर ये सही है तो क्यों मंदिर का निर्माण अचानक रोका गया? इसके कोई पुख्ता प्रमाण आज भी नहीं मिलते। कई विद्वानों का मत है कि भोजेश्वर शिव मंदिर की छत इसलिए नहीं बन सकी क्योंकि ये भार का सही आकलन नहीं कर सकी। तब राजा भोज ने इस दोष के कारण ही इस मंदिर का निर्माण नहीं किया होगा और मंदिर के निर्माण को रोक दिया गया होगा। इसके कारण अभी तक अज्ञात ही हैं, लेकिन इतिहास के जानकार बताते हैं कि इसके न बनने के पीछे कारण कुछ भी हो सकता है। प्राकृतिक आपदा, संसाधनों की कमी या फिर किसी युद्ध के शुरू हो जाने के कारण ही मंदिर का निर्माण रोक दिया गया होगा। कुछ लोग राजा भोज के निधन से भी इस मंदिर के अधूरे रहने के कारण को मानते हैं, लेकिन भोजपुर के भोजेश्वर मंदिर को लेकर कई पौराणिक कहानियां मिलती हैं, कई दावे मिलते हैं, किंवदंतियां मिलती हैं जो इस मंदिर की ऐतिहासिकता पर मुहर लगाती हैं। भोजेश्वर मंदिर के बनने की कई कथाएं मिलती हैं। मान्यता कहती है कि इस मंदिर की कथा का आरंभ होता है द्वापर युग से, जब माता कुंती की शिव भक्ति के कारण पांडवों को यहां पर शिवलिंग की स्थापना करनी पड़ी, जबकि साक्ष्य कहते हैं कि नरेश परमार शासक राजा भोज ने करवाया था। मंदिर के शिवलिंग को लेकर भी कई सारी कथाएं प्रचलित हैं जो महादेव के इस दर की गाथा कहती हैं। हर शिव धाम की तरह यहां भी भक्ति की बयार बहती है। आस्था हिलोरे लेती है और मन में बस जाता है शिवाला। शिव के इस अलौकिक दरबार की महिमा जितनी निराली है उतने ही उलझाते हैं मंदिर को लेकर मिलने वाले दावे। कहते हैं ये मंदिर कभी भी पूरी तरह से तैयार नहीं हो पाया। इस मंदिर को जिस युग में जितना बनाया गया ये अधूरा ही रह गया। ये भोलेनाथ की महिमा ही है कि यहाँ आने वाले किसी भी भक्त की कोई भी मनोकामना अधूरी नहीं रहती। भोजपुर के भोजेश्वर मंदिर को लेकर सबसे प्रामाणिक कथा मिलती है महाभारत की। कथा कहती है कि पांडव अज्ञातवास के दौरान वन में भटक रहे थे क्योंकि कौरवों ने पांडवों के साथ शर्त लगाई थी कि अगर वो इस अज्ञातवास के दौरान पहचान लिए गए तो फिर उन्हें 13 साल का अज्ञातवास भोगना होगा। कौरव से शर्त के अनुसार वो वेश बदल कर अपना जीवन बिता रहे थे। उनके साथ माता कुंती भी थी। माता कुंती शिव की उपासना किए बगैर अन्न भी ग्रहण नहीं करती। तब माता कुंती के लिए भीम ने अपने भाइयों के साथ यहाँ विशाल शिवलिंग की स्थापना की, लेकिन वो एक रात में मंदिर का निर्माण नहीं कर सके। माता कुंती जो थी वो शिव उपासक थी, वो जब तक शिव जी की पूजा नहीं कर ले अंजन ग्रहण नहीं करती थी। तो उन्होंने फिर पांडवों से कहा कि मेरे लिए कहीं शिवालय की स्थापना कीजिए, उसके बाद में मैं वहाँ पे पूजा पाठ करूंगी तब भोजन करूंगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, जिस पे ये शिवालय स्थापित है, जहाँ ये मंदिर बना है, ये पूरी ओम आकार में है। इसको आप सेटेलाइट पे देखोगे तो ये पूरी पहाड़ी ओम के आकार में है और ओम का जो बीच सेंटर है वहाँ पे शिवालय स्थापित है और उसी जगह पे ये मंदिर बना हुआ है। भोजपुर के इस मंदिर को लेकर दूसरी कथा मिलती है परमार राजा भोज की। कहते हैं 10वीं सदी में राजा भोज का शासन था, उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैली थी। लेकिन तभी अचानक राजा भोज को कोढ़ का रोग हो गया। तमाम वैद्य उनका उपचार कर चुके थे लेकिन उनका कोढ़ रोग ठीक नहीं हुआ। तब किसी आचार्य ने उन्हें एक शिवलिंग की आराधना का उपाय बताया। जब उनका कुष्ठ रोग ठीक हुआ तो उन्होंने यहाँ पर भव्य मंदिर बनवाया। लेकिन वो मंदिर तो बना लेकिन उसका शिखर आज तक नहीं बन पाया। तो भोज परमार जब हुए तो वो धार के रहने वाले थे, भोपाल के राजा हुए। भोपाल के जब राजा हुए तो उनको हो गया था कोढ़,
तो जब उनको कोढ़ हुआ तो उन्होंने काफ़ी ट्रीटमेंट कराया, जब वो कहीं से ठीक नहीं हुए तो उन्होंने फिर ब्राह्मणों से, पंडितों से, महंतों से पूछा कि मुझे इस उपचार बताओ, इस रोग से कैसे मुक्ति मिलेगी। तो उन्होंने कहा आप 999 नाले का एक जलाशय डैम बनवा लीजिए, उस डैम के किनारे शिवालय की स्थापना कीजिए और उस डैम के जल से भोलेनाथ का आप अभिषेक करिए तो रोग से मुक्ति पा लेंगे। डैम राजा भोज परमार ने बनाया था, ये मंदिर पांडवों ने बनाया था, ऐसी इसकी कहानी। जबकि मंदिर को लेकर एक कथा ये भी है कि इस मंदिर का निर्माण एक ही रात में होना था, छत का काम पूरा होने से पहले ही सुबह हो गई, इसीलिए निर्माण अधूरा रह गया। मंदिर का तेज इतना अलौकिक है कि जब आप मंदिर में आएंगे तो खुद को शिव की साधना में लिप्त पाएंगे। आज तक मंदिर ऐतिहासिक स्मारक के रूप में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के संरक्षण के अधीन है। शिवरात्रि में राज्य सरकार यहाँ भोज उत्सव का आयोजन करती है। दावा मिलता है कि जिस तरह भारत के सोमनाथ मंदिर की कीर्ति चारों ओर फैली है, जिस तरह 17 बार सोमनाथ के मंदिर का खजाना लूटा गया, उसे खंडित करने की कोशिश हुई, उसी तरह भोजपुर के इस मंदिर का तेज भी चारों ओर फैला है। तभी औरंगजेब ने इस मंदिर पर हमला किया और मंदिर को लूट लिया। इसके बाद में ये मंदिर ऐसा बताते हैं कि पूर्ण रूप से कंप्लीट था, इसके बाद ये पूरा बना हुआ था, इसी के बाद इनकी शिवालय की स्थापना हुई है। इसके बाद यहाँ पे जब औरंगजेब आए तो औरंगजेब ने फिर इसमें लूटपाट की है, ऐसा बताया जाता है कि शिवालय के अंदर भी हीरे लगे हुए थे, इसके बाद इसके डोम में हीरे लगे हुए थे कि पहले प्रकाश की व्यवस्था नहीं होती थी, तो फिर औरंगजेब ने वो सब हीरे इसमें से निकाले। मंदिर को लेकर दावे अपनी जगह हैं, आस्था अपनी जगह, सच्चाई ये है कि श्रद्धा की बयार यहाँ युगों युगों इसी तरह बह रही है। आस्था मीलों दूर से चलकर यहाँ शीश झुकाने आती है। और आइए वक्त हो चला है आज के धर्म सूत्र को जानने का। खड़ाओं ये प्राचीन परंपरा थी हमारे शास्त्रों की, धर्मों की। खड़ाओं पहले हमारे यहाँ चमड़े के सामान को या चमड़े के जूते चप्पल को, इसका प्रयोग वर्जित बताया गया था शास्त्रों के द्वारा। तो चमड़े की वस्तुओं को पैर में धारण करना शास्त्र के द्वारा अशुद्ध माना गया था, इसलिए इसको पहनना चाहिए। इसको पहनने से मस्तिष्क अच्छे तौर से काम करता है, हमारी तमाम मांसपेशियां स्वस्थ रहती है, रीढ़ की हड्डियों में भी किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता। प्लस साथ में आप खड़ाऊँ पहनकर मंदिर में भी प्रवेश कर सकते हैं, ऐसी एक व्यवस्था हमारे शास्त्र में परमिशन बताई गई है। तो प्रार्थना और स्वीकार में आज का हमारा सफर यहीं समाप्त होता है, फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकर चलेंगे आपको एक और धार्मिक यात्रा पर। तब तक के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।